प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, तो हमें अभी इलेक्शंस भी आ रहे हैं, काफी हीट वेव हम देख रहे हैं कि अचानक से बढ़ गई है गर्मी, तो किन सिटीज पे ज्यादा फोकस रहेगा और किस तरीके की प्रिपरेशन रहेंगे? अभी देखिए, हमारा मौसम विभाग का जो प्रोजेक्शन है उसके मुताबिक भारत के बहुत बड़ा क्षेत्र में हीट वेव का असर होने वाले हैं, खास करके वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटका के बहुत बड़ा भी भाग में, और फिर ये हीट वेव आगे जाकर के कई और इलाका में फैलने वाले हैं। तो इसलिए हीट वेव के समय में, वैसे नॉर्मल समय में भी तैयारी रखना चाहिए, लेकिन अभी इलेक्शन है तो और भी हजारों लाखों लोग, इलेक्शन का गतिविधि होगा, मीटिंग रैलियां होगी, फिर लोगों का आना जाना, फिर सिक्योरिटी ड्यूटी वाले मूवमेंट करेंगे, ऑफिशियल्स का मूवमेंट होगा, तो बहुत भारी मात्रा में आना जाना और गतिविधि होगा। तो ऐसा में कम से कम लोगों को नुकसान हो इसका व्यवस्था के लिए तैयारी की हुई है, जैसे हमने प्रेडिक्शन दिया उसके हिसाब से तैयारी भी किया हुआ है। तो जो हीट वेव को रोकने के लिए और उसको संभालने के लिए जितने स्टेक होल्डर्स है, राज्य सरकारों के साथ में मिलकर के, मेरे अध्यक्षता में यहाँ दो दिनों का बैठक हुई, उसमें भी पूरा तैयारी कैसे कैसे किया उसका भी एक पेशकश की गई है, और आगे और क्या करना चाहिए इसका भी एडवाइजरी जारी किया गया है। तो अभी एनडीएमए का वेबसाइट में भी, गृह मंत्रालय का वहां से भी, वो वेबसाइट में सबको कहा गया, बताया गया कि क्या क्या करना चाहिए और सावधानी क्या क्या बरतना चाहिए, उसका भी डिटेल बताया गया है। अभी जैसे सर हमने देखा कि हिमाचल में हमें काफी बारिश देखने को मिली और जलपाईगुड़ी में भी एक स्टॉर्म आया, तो इसके लिए भी कुछ स्पेसिफिक स्पेशल तैयारियां जो करी जा रही है? हाँ, स्पेशल फोरकास्ट तो होता ही है, वो हमारे जो डेली फोरकास्ट होता है स्पेसिफिक लोकेशंस के ऊपर में, वो भी होते हैं, और कभी कभी हम लोगों को इसका एडवांस में जानकारी तो देता ही है, लेकिन जानकारी पहुंचाना बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हम अगर फोरकास्ट भी करता है तो लोगों को इसका जानकारी हम लोग नहीं पहुंचा पाएंगे, तो हमारे पास जानकारी रख के फायदा नहीं जब तक लोगों तक हम नहीं पहुंचा पाए। इसलिए डिसेमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, एडवाइजरी को लोगों तक पहुंचाना, ये राज्य सरकारों के साथ, भारत सरकार और भी कई एजेंसियां हैं, सबके साथ मिलकर के हम लोग काम कर रहे हैं।